कापरी है भाई वो। अरे डूब रही, अरे मैं डूब रही हूँ। सुरेश भाई को मैंने बोला, सुरेश भाई बोले एक काम करते हैं, कल टाइम मिला तो गोटिया जो है उसको छोड़ के आएंगे। आज जो हम चारा भर के लाने वाले हैं वो पूरे 2 लाख का चारा हम एक दिन में गाय को खिलाने वाले हैं आज। क्या हो गया है? हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हो गए हम सब? आई होप आप सब मौज में हो। मैं एकदम मौज में हूँ। आज जो हम चारा भर के लाने वाले हैं वो पूरे 2 लाख का चारा हम एक दिन में गाय को खिलाने वाले हैं आज। आज एक दिन में 2 लाख का चारा फिनिश करने वाले हैं। बताओ कैसे एक दिन के अंदर 2 लाख का चारा आज अपनी गाय खाएंगी? क्या लगता है आपको, 2 लाख का चारा ये अपनी पूरी गाय जो है ये एक दिन में खा पाएंगी? आपको भी नहीं लग रहा होगा यार, 2 लाख का चारा थोड़ी ना खा पाते हैं। तो अभी चलो फटाफट से मैं आपको दिखाता हूँ। चलो 2 लाख का चारा, 2 लाख से ऊपर लेकिन नीचे नहीं। तो फिलहाल जो है कि हरी भाई और सुरेश भाई जो है कि ट्रैक्टर भर के आ गए। मैंने आपको बताया था 2 लाख का चारा जो है कि एक दिन में खिलाना है। तो आप ये देख सकते हो ट्रैक्टर में जितना है ये 2 लाख का चारा है। अभी आप सोच रहे होंगे 2 लाख का कैसे हो सकता है, तो मैं आपको बता दूं 2 लाख का चारा है। आप सोच रहे होंगे यार कैसे मुमकिन है, तो मैं आपको बताता ये कितने कैरेट है भाई, टोटल मिला के कैरेट कितने हैं? 70 से ऊपर। दोस्तों मैं आपको बता दूं ये जो ये जाली जो है कैरेट ये 20 किलो का है, ये वाला ये 20 किलो का है। और मैं आपको बता दूं ज्यादा दिन भी नहीं हुआ है, आज से 2 महीने पहले 20 किलो कैरेट के रेट था कितना था सुरेश भाई? 3000 से 3500। अभी आप जो है कि 70 कैरेट करना और उसका रेट जो है वो सिर्फ 3000 लगा देना, फिर आप देखना उसका पैसा कितना होता है। ये अच्छा माल है, कुछ नहीं हुआ, एकदम ओके माल है। लेकिन ये क्या हो गया कि कल रात से उन्होंने भर के रखा लेकिन वो मार्केट को लेके ही नहीं गए। ये देखिए 2 महीने पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं 300 रुपया किलो हो गया था टोमेटो, 350 रुपया किलो हो गया था वही टोमेटो जो है कि भाई आज जो है कि कोई पूछता ही नहीं है भाई। आप देख सकते हो यही टोमेटो का आज से 2 महीने पहले 2 लाख का माल था, वही जो है कि आज भाई आप देख सकते हो गाय खाने वाली है। तो फिर 2 लाख का माल हुआ ना भाई, 2 लाख का माल हम एक दिन में खिला देंगे भाई, अमीरी दोस्तों अमीरी। कैसा लगा मेरा मजाक? नॉर्मल जो है कि भाई चारा तो ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि किसान भाई की भी बहुत सारी नुकसान होती है, क्योंकि टमाटर की फसल जो है ना भाई उसमें खर्चा भी बहुत आता है, बाद में जाके उनका फसल का उनको भाव नहीं मिलता, रेट नहीं मिलता, तो बहुत बुरा लगता है। हमारी पूरी फैमिली जो है कि पशुपालन करती है, वैसे ही अगर ये पूरे किसान भाई है उनकी भी पूरी फैमिली जो है कि खेती का व्यवसाय करते हैं, उनकी फसल का जो दाम है वो नहीं मिलता है तो सच में यार उनका पैसा ही जाता है, उनकी मेहनत जाती है और कुछ नहीं मिलता है। अभी आप देखिए उन्होंने मेहनत करके कैरेट जो है भर के रखे थे और मार्केट को लेके जाने वाले थे, तो बाद में उनको पता चला कि भाई मार्केट आज इतना डाउन है और सीधे किशन भाई इधर आए, बोले भाई ये लेके जाओ आपकी गाय के लिए। बहुत बुरा लगा दोस्तों, जाने दो। निकाल ले। तो अभी जो है कि ये पुराने भी खिलाएंगे, सुरेश भाई बोलता है अगर अभी खिला दिया ना तो पूरे दिन भर बोले वो चारा नहीं खाएंगे, बोले तो शाम को खिलाएंगे। मैंने बोला ठीक है, अभी एक ट्रैक्टर आ रहा है वो एक उसमें डालेंगे, एक ट्रैक्टर जो है कि किसान भाई लेके आने वाले हैं बाद में। अरे भाई अभी क्या भरने जाना है? सोयाबीन का भूस भरने जाना है। ओके तो दूध लेके कौन जा रहा? सुरेश भाई। और सोयाबीन का भूस भरने के लिए कौन जा रहा? अब उन दोनों मैं नहीं आ रहा। गुड्डी को दूध पिलाने जा रहा? डीजल लीक हो रहा, कुछ नहीं होता उसको। चलो तो फिलहाल जो है कि यहाँ पे अभी मिल्किंग वगैरह सब हो गया है खत्म, और अभी जो है कि
हरी भाई और सुरेश भाई जो है कि टमाटर भर के भी आ गए हैं। सुरेश भाई बोल रहा है कि एक काम करो भाई, बाजू में जो है कि सोयाबीन की कटाई हुई है, तो बोले वहाँ पे भूस है, बोले आप फटाफट जाके वो भूस भर के आओ। मैंने बोला ठीक है चलो चलते हैं, उतना काम पहले निपटाते हैं, फिर बाद में जितना भी काम है वो निपटाएंगे। तो फिलहाल जो है कि हम सोयाबीन के खेत में पहुंच गए हैं और आप सोयाबीन का भूसा देख सकते हो बहुत सारा पड़ा हुआ है। ये देखिए कटर मशीन जो है उससे ये सोयाबीन निकाली है भाई, बहुत भूस पड़ा हुआ है। अभी जो है कि इस भूस का हमें स्टॉक करना है, चलो अभी फटाफट से भर लेते हैं। फिलहाल जो है कि भाई इतना ट्रैक्टर भर लिया है और पहली बार पहले ही खेत में है और बहुत सारा भूस है भाई। पहला दिन जो है कि एकदम बेस्ट और बढ़िया गया है, तो हम उम्मीद करते हैं कि भाई पूरा साल ऐसे ही बढ़िया ही जाए। क्या बोलता हरी भाई, धूप इतना भयंकर वाला हो रहा है भाई, पसीना पसीना हो गया, हालत ख़राब कर रहा है ये तो धूप, और ऊपर से हरी भाई पानी भी नहीं लेके आया है। और फाइनली जो है कि भाई ट्रैक्टर जो है वो भर गया है और हालत भी एकदम भयंकर वाली ख़राब हो रखी है। चलो अभी फटाफट से निकलते हैं। चलो तो अभी फटाफट से जो है कि भाई गाय छोड़ देते हैं, आज जो है कि कहीं खेत नहीं है तो दोनों गाय अलग अलग जाएंगी, दूध वाली बिना दूध की। फिलहाल जो है कि वाड़ा के अंदर भी टमाटर टमाटर कर लिया है, आप देख सकते हो यहाँ भी बहुत सारा टमाटर डाला है, बाकी जो टमाटर है वो रास्ते पे हमने खाली किया है। क्या बोलती काबरी, अभी फटाफट से जो है कि इनको छोड़ देते हैं। फाइनली जो है कि हमारी दूसरी जो जगह है वो डन हो गई है, दो चार दिन में जो है कि हम यहाँ से उस जगह पे ले लेंगे। लेकिन मैं आपको, जगह ज़्यादा दूर है नहीं, लेकिन वो जगह जो है कि मैं अभी आपको नहीं बता सकता, वो जगह इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि जब तक हमारा पक्का डन नहीं हो जाता। अभी देखिए पक्का तो हो ही गया है, लेकिन अगर फिर अगर ब्लॉग में मैंने बताया तो बहुत सारे इधर के भी ब्लॉग देखते हैं, फिर जो है कि प्रॉब्लम हो सकते है, फिर कुछ ना कुछ, समझ रहे हो आप, समझ जाओ। तो इसकी वजह से मैं रिवील नहीं करूँगा अभी, जिस दिन हम काम स्टार्ट करेंगे उस दिन ही मैं रिवील करूँगा फाइनली जो है कि भाई ये वाली जगह है, क्योंकि अभी सब डन हो गया है। लेकिन देखिए ज़्यादातर किसी को पता नहीं है कि जगह कौन सी है, किसकी है, क्या है। दो तीन दिन में जो है कि हम शिफ्ट करने वाले हैं, तो आपको बहुत जल्दी दो तीन दिन में जो है कि फाइनली पता चल जाएगा कि वहाँ पर जो है कि थोड़ा सा हम सिस्टमेटिक करेंगे, क्योंकि गाय के लिए भी सेट बड़ा बनाएंगे, ताड़पत्री का ही बनाएंगे। और काबरी जो है कि दोस्तों अभी हमारी काबरी जो है वो ज़्यादा दिन लेंगे नहीं, मुझे लग रहा है 20-25 दिन में जो है कि शायद हमारी काबरी जो है वो बच्चा दे देंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, गोटिया जो है हमारा कल या परसों जाने वाला है। अभी आप सोच रहे होंगे गोटिया कहाँ जा रहा है, तो दो दिन में हमारा गोटिया जो है वो जा रहा है, गोटिया की जगह पर कोई और नया आ रहा है। लेकिन इस बार जो है कि हम देखने जाएंगे, फिर जो है कि डन करेंगे, मैं खुद परेशान हो गया हूँ। इस बार ऐसा कुछ करना नहीं है, सीधा जाना है, बुल लेके आना है, तब तक बुल रिवील होगा ही नहीं। अभी सीधा डायरेक्ट जाएंगे, बुल लेके आएंगे, ऐसा समझो कि बुल जो है वो डन हो गया है ऑलरेडी जो है कि। फ़ोटो वगैरह मैंने देखा है, लाइव तो मैंने नहीं देखा है, सिर्फ मैंने फ़ोटो वगैरह देखा है और मैंने बोल दिया कि ठीक है चलो डन। तो अपना जो गोटिया है उसको पहले यहाँ से पोपट मामा के वहाँ पे जाके छोड़ देंगे, फिर उसके अगले दिन या दो दिन बाद जाके दूसरा वाला जो बुल है वो लेके आ जाएंगे। ऑलरेडी जो है कि डन हो गया है, लेकिन देखिए कुछ ना कुछ कारण सर जो है कि हम रुके हुए हैं, तो बहुत जल्दी जो है कि नया बुल जो है वो हमारे इस झुंड में शामिल होने वाला है, और मुझे उम्मीद है कि वो बुल आप सबको पसंद आएगा। फ़ोटो भी है मेरे पास, लेकिन मैं थंबनेल में नहीं लगाऊंगा, क्योंकि अभी डायरेक्ट जब लेने के लिए जाएंगे तभी दिखाएंगे। बहुत सारे दोस्त की ये कमेंट होती है कि आप सिर्फ बुल देखते हो, लाएंगे नहीं यार, लाएंगे नहीं, लेके आएंगे बहुत जल्दी। सुरेश भाई फिर से कहाँ गया, अरे यार। चलो अभी फटाफट से जो है कि गाय छोड़ देते हैं। सुरेश भाई को मैंने बोला, सुरेश भाई बोले एक काम करते हैं, कल टाइम मिला तो गोटिया जो है उसको छोड़ के आएंगे, ये तो परसों फिक्स ऑलरेडी, क्योंकि यहाँ पे काम बढ़ गया है, नहीं तो गोटिया जो है उसको आज छोड़ के आए होते और कल जो है कि वो बुल लेके आ गए होते। लेकिन फिलहाल जो है कि अभी काम बढ़ गया है, तो उसकी वजह से टाइम नहीं मिल रहा है, लेकिन बहुत जल्दी जाके हम वो वाला लेके आएंगे। और हाँ, हमारा गड्ढा भी रहेगा भाई, गड्ढा कहीं जाएंगे नहीं, गड्ढा यहीं पे रहेगा, क्योंकि दोनों की फाइट भी हो सकती है। जो बुल हम लाने वाले हैं वो बुल जो है कि बच्चा नहीं है, गड्ढा की लेवल का ही पकड़ लो आप, इतना तो होगा ही, क्योंकि मैंने फ़ोटो में देखा है इतना लग रहा है, लेकिन रियल में अभी वो छोटा है या बड़ा है। देखो बहुत बार ऐसा होता है, फ़ोटो में जो दिखता है वो रियलिटी में नहीं होता है,
तो अभी जब जाएंगे तब पता चलेगा, बहुत जल्दी जाएंगे, कमिंग सून है। वाड़ा के अंदर जो टमाटर है, टमाटर अभी खाने नहीं देना है, गाय छोड़ के सीधी बाहर निकाल लेनी है। इसके अंदर जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको छोड़ देंगे ताकि दिन भर टमाटर वगैरह खाए। टमाटर जो है कि बहुत हद से ज्यादा टमाटर है इस साल। कौन सी गाय? अरे इसको भी रात को इंजेक्शन लगाया और उसको भी लगाया। अरे कुछ नहीं यार, उसको जो है ना बुखार आ गया है गर्मी की वजह से, उसके आंख में से पानी आ रहा है दोस्तों। इसको फिर से जो है कि रात को हमने इंजेक्शन लगाए थे, इसको लगाए थे शायद, इसको 3 लगाया था और बाडी जो है इसको 5 इंजेक्शन लगाया था बाडी को। सूरज पे बाहर नहीं निकला? अरे यार यहाँ पे कुछ माहौल ऐसा है, लेकिन ये बहुत जल्दी जो है कि ये पूरा गायब होने वाला है। दूसरी जगह पे जा रहे हैं तो वहाँ पे कुछ अलग करेंगे। और आप जो है कि आप भी हमें सजेस्ट करना भाई कि जगदीश भाई यहाँ पे ये करो, वहाँ पे वो करो, बहुत जल्दी जो है कि आपको पता चल जाएगा बहुत जल्दी। ए कितना आवाज दिया तेरे को? अरे किसके लिए क्या, जल्दी कर यार, तू अभी तक वहाँ पे वो खटिया पे पड़ा था और अभी खाना खा रहा है यार, होरी पे गाय लेके चला गया। हेलो दोस्तों खाना खाने के लिए। हाँ हेलो दोस्तों खाना खाने के लिए। काम ही तेरा इतना ठंडा है, देखा ना आपने, अभी से खाना खा रहा है। गोटिया कब छोड़ने जाना है? दो एक दिन में। कल या परसों? दशहरे का दिन। नहीं रे कल या परसों छोड़ देंगे। दशहरे का दिन छोड़ के आएंगे? नहीं नहीं दशहरे का, दशहरे के दिन, दशहरे के दूसरे तीसरे दिन में वो बुल लाना है, गले की रस्सी कर देने के। सुरेश भाई तुम प्यार पे बांधते हो यार, प्यार में वो अनकंफर्टेबल फील करती है। इधर क्या का पट्टा नहीं है? तो पट्टा मेरा लेके जा, बेल्ट। अबे देखो दादा। हां अरे पट दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो है कि घर पे मुझे जो है कि ज्यादातर तो जग्गू दादा ही बोलता है, लेकिन कैमरे में जगदीश भाई बोलता है। अभी सब गड़बड़। तेरे को छूट, अभी से छूट। अगर घर पे मेहमान है या कहीं बाहर हम घूमने गए हैं या कैमरे में व्लॉग में भी तू मुझे बोल सकता है जग्गू दादा। जग्गू ओके डन, जा 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 जा, खुश रहे जा। क्योंकि मैं ही मना करता था, मैंने बोला यार क्या जग्गू दादा क्या होता है यार, तो इसकी वजह से जब भी वो कैमरे में बोलता है तो मुझे जगदीश भाई बोलता है। लेकिन बहुत बार मुझे जो है कि वो अगर उसने जग्गू दादा बोल दिया तो मुझे वो कट करना पड़ता है। वो नाम मेरे को क्या है बताए, लेकिन मैंने बोल दिया तेरे को आज से जो बोलना है तू बोल सकता है, कैमरे में बोल, तेरे को जिस नाम में मजा आता है वही नाम से बोला मेरे को, नो प्रॉब्लम। अरे बाबू चलो तभी जो फटाफट से जो है कि ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको छोड़ देंगे, डुमरी जो है उसको यहीं पे बांध के रखेंगे, टमाटर वगैरह डाल देंगे, कुट्टी भी निकाल के छोटे छोटे बच्चे हैं उनको रखना है। और अभी जो अपनी ब्लैक ब्यूटी है भाई, अभी वो चारा वगैरह खाने लग गए हैं। बहुत सारे दोस्त बोल रहे थे, मैंने एक व्लॉग में बोला था कि भाई अपनी ब्लैक ब्यूटी जो है उसको ज़्यादा खुला नहीं रखना है क्योंकि वो पानी पी लेती है, तो बहुत सारे दोस्त बोल रहे थे कि पानी उसको क्यों पिलाना नहीं चाहिए। देखिए अभी 4-5 दिन हो गए उसने जो चारा खाना स्टार्ट किया है, तो उससे पहले सिर्फ दूध ही पीती थी। अगर ज़्यादा दूध पीती हो, यहाँ का हवामान जो है कि एकदम ठंडा है, सिर्फ दूध पीती है और पानी पिलाते हो ना, तो फिर जो है कि उसका पेट खराब हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि अगर ज़्यादा पेट खराब हो गया फिर जो है कि वो दूध पीना बंद कर देती है, तो बाद में जो है कि ऐसे बहुत सारी जो है कि छोटी छोटी बच्चियाँ जो है कि ऐसे लुढ़क गए जब हमारे पास पहले भैंस थी तब। तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा अगर चारा खाने लग गए, अभी हम थोड़ा थोड़ा इसको पानी पिला सकते हैं। अभी जो है कि भाई छोटे छोटे जो बच्चे हैं ना सब जाके टमाटर पर टूट पड़ेंगे भाई, दिन भर बच्चे खाएंगे, शाम को आके जो गाय है वो पूरा फिनिश कर जाएंगी। चलो अभी तक तो जो है कि बहुत सारा काम है, ट्रैक्टर भी खाली करना, लेकिन ट्रैक्टर जो है कि 2-3 बजे के बाद ही खाली करेंगे, दूसरा भी बहुत सारा काम है। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, व्लॉग अगर पसंद आए तो व्लॉग को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप जो है कि यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो चलो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं कोई नए व्लॉग में। जय श्री कृष्ण। अरे यार देखो मैं गया क्या, छोड़ दे छोड़ दे, अभी छोड़ दे, अभी नहीं निकलेंगे वो, क्योंकि जब हम खींचते हैं ना भाई तो ताकत ही लगाना बंद कर देती है। अरे वो डूब रही है, अरे मैं डूब रही हूँ, डूब रही है, ताकत लगी, रुक 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 रुक, उसके मुंडे नीचे जा रहे हैं।